फ्रेंड्स इमेजिन करो, अगर धरती की ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए रुक जाए तो क्या होगा? क्या हम सांस ले पाएंगे उन 5 सेकंड्स में? एटमॉस्फेयर में क्या होगा उन 5 सेकंड्स में? एनवायरनमेंट में क्या चेंज आएगा उस 5 सेकंड्स में? आपने कभी इसके बारे में इमेजिन किया? चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए इसी मिस्ट्री को इस वीडियो में डीपली जानते हैं। आखिर धरती की ऑक्सीजन अगर 5 सेकंड के लिए रुक जाए तो कौन कौन से बड़े डिजास्टर हो सकते हैं? चलिए आप भी मेरे साथ एक बार डीप सांस लें। अच्छा लग रहा है ना आपको भी? ये जो हम ब्रीथ कर रहे हैं ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर पे, ये तो ओनली ये 21% है। 78% तो नाइट्रोजन है। क्या आपको लगता है ये सफिशेंट है 21% हमारे लिए? सच तो ये है कि बिना ऑक्सीजन एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर, ह्यूमन कुछ भी नहीं होता। हम सब जो आज लाइफ जी रहे हैं ना, ये कुछ नहीं होती। वैसे तो ह्यूमन ऑलमोस्ट 30 सेकंड ब्रीथ रोककर जिंदा रह सकता है और उसके बाद बिना किसी डिफिकल्टी के वो दोबारा नॉर्मल सांस भी लेने लग जाएगा। लेकिन ह्यूमन को छोड़कर बाकी चीज़ों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ 5 सेकंड के लिए अगर अर्थ का ऑक्सीजन खत्म हो जाए या रुक जाए तो अर्थ का तो नक्शा ही बदल जाएगा। इन 5 सेकंडों के बीच यूएस में बनी हॉवर डैम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो कुछ भी अर्थ पर हम कंक्रीट का बना हुआ देख रहे हैं वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स इमिडिएटली कोलैप्स हो जाएंगे। कंक्रीट में जो ऑक्सीजन होती है वो कंक्रीट को बांध कर रखती है। ऑक्सीजन स्पेशल बाइंडिंग एजेंट का काम करती है कंक्रीट में। बिना ऑक्सीजन के कंक्रीट सिर्फ डस्ट के बराबर है। अगर बिल्डिंग की बात करें तो कोई भी अनट्रीटेड मेटल एक दूसरे के साथ तुरंत फ्यूज हो जाएंगे। हम आप तो जानते ही हैं कि ओजोन लेयर जो है वो किसकी बनी हुई है? ऑक्सीजन की। 5 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन रुक जाए तो ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद सन की जो यूवी रेस है वो धरती पे आएंगी और तुरंत हमारी स्किन को जला देंगी। अगर आप उस टाइम पे बीच पे होंगे तो आपका पूरा शरीर जल जाएगा। सिर्फ 5 सेकंड की अगर ऑक्सीजन लॉस हो जाए तो एयर में 21% एयर प्रेशर लॉस हो जाएगा। एयर प्रेशर में चेंज आना मींस आप सी लेवल से सीधा 2000 मीटर डाउन चले गए। एक प्रेशर ड्रॉप के कारण आपके कान के पर्दे इमिडिएटली एक्सप्लोड हो जाएंगे। बिना ऑक्सीजन फायर और कंबल्शन प्रोसेस इमिडिएटली रुक जाएंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा कि सारी ट्रांसपोर्टेशन कार्स तुरंत रुक जाएगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो चाहे कोई और कार हो। जो प्लेन्स फ्लाई कर रहे होंगे उस टाइम पे वो तुरंत धरती पे गिर जाएंगे और मिलियंस ऑफ कार रोड्स पर ऐसे ही चलती चलती बंद हो जाएंगी। बिना ऑक्सीजन के सुंदर दिखने वाला जो हमारा ब्लू स्काई है वो कम्प्लीटली डार्क हो जाएगा। इन सब के बीच हमारा जो अर्थ क्रस्ट है वो 45% ऑक्सीजन से बना होता है। बिना ऑक्सीजन के उसके तुरंत टुकड़े हो जाएंगे। अर्थ क्रस्ट टूटने के बाद धरती में बहुत बड़े बड़े होल भी हो जाएंगे। डर तो नहीं गए ये सब चीज़ें सुनकर? डरो मत, बस आज से ही एक काम करना शुरू कर दो। प्लांट्स लगाओ, ट्रीज लगाओ अपने घर के आसपास और अपने फ्रेंड्स को, प्लीज को भी इसके बारे में अवेयर करो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ, ट्रीज लगाओ, क्योंकि हमारी जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। ग्लोबल फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग हर साल 1530 पेड़ काटे जाते हैं और ये फिनोमेना जो है जो पिछले 35 सालों से चलता ही आ रहा है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर 1 एकड़ के जो प्लांट्स हैं वो 8 लोगों को एंटायर लाइफ ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसलिए मेरी एक सजेशन है आपके लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ट्रीज लगाएं। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में अवेयरनेस हो सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले हों तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपको एक अगली इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।